चर्चा करते हैं मार्केट न्यूज एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और तकरीबन हम इसी पर ही चर्चा करते हैं क्योंकि आप लोगों को जागरूक करना ही जुगानी टॉक्स का उद्देश्य है। अब सबसे पहले हम काम की बात करते हैं। काम की बात में यह है कि जैसा कि हमने 10 बजे की वीडियो में आज आप लोगों को ग्लोबल सिनेरियोज और डोमेस्टिक सिनेरियोज को बताया था कि आज ये होने वाला है और कई सारे फाइनेंशियल पंडित जो कि ये बोल रहे थे कि बिक्स का ये पोजीशन है, इसकी पोजीशन है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मेरे किसी व्यूअर ने बड़े आराम से मुझे बोला कि सर आप बिल्कुल किसी का नाम ना लें, आप अपनी जानकारी दें, वही हमारे लिए बहुत है। ओके, तो हम एक ग्लैंस आपको पहले ये देख लेते हैं कि आज की मार्केट का सिनेरियो क्या रहा है, उसके बाद में जो हमने 10 बजे बताया था आपको उसकी वजह से देख लो इसका इंपैक्ट आपको दिखाई दिया है। फिर अगला स्टेप आपको बताएंगे कि भाई ये सिनेरियोज आज के घटित हुए हैं और उसके बाद में इसके बाद हम अगली चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को ये जो भी अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो पक्का आप इन्वेस्टर हैं, कंटिन्यूड हैं या आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना लिए हैं, तो आप जितनी तैयारियां हमने आपको डिफरेंट वीडियोस में बनाई है वो तैयारियां आपने कर ली होगी या आप स्टार्ट कर चुके हैं, आपकी जर्नी चल रही है, ये मैं मान करके चल रहा हूँ। और आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी न्यूज़ सेबी और AMFI की तरफ से आई है जो कि हमारे इन्वेस्टर्स को एक मैं तोहफा मानता हूं, वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि वो क्या ऐसा नायाब तोहफा मिला है इन्वेस्टर्स को जो कि पिछले दौरान दिनों में ऐसा देखा गया है कि वो एक तकलीफ देह हो जाता था लेकिन उससे निजात दिलाया है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अब देखिए आज के जो ग्लोबल सिनेरियोज का मैंने बताया था 8 से लेकर के 13 तक 65 कंपनियों के नतीजे आने हैं जिनमें सबसे पहले मेन कंपनियां हैं TCS, इंफोसिस, HCL, विप्रो और दिसंबर क्वार्टर के नतीजों में कोई बहुत ज्यादा उम्मीद की गुंजाइश नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि सुस्त ग्रोथ है और यूरोप और अमेरिका में US में जबकि उसमें ज़्यादा ठंडी की वजह से कई सारी छुट्टियां पड़ जाती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावना नहीं है। और इंटरेस्ट का इशू अमेरिका का है ही है, प्लस उनका बॉन्ड यील्ड का इशू है ही है। और एक चीज और हुई है, मैं इधर आपको लेकर के चलूंगा आज वाले सिनेरियो में, कि जो कि US का डाउ जोन्स रात में क्यों इतना ज्यादा फॉल किया था, उसका रीजन यह है अलास्का का एक प्लेन वाला एक्सीडेंट, आपको पता ही है उसकी वजह से क्या हुआ, बोइंग का 8% शेयर, बोइंग जैसी कंपनी का 8% शेयर गिर जाना, तो उसकी वजह से डाउ जोन्स की कमर टूट गई थी। और उसकी वजह से जब US पर इफेक्ट पड़ता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड पर इफेक्ट पड़ता है, ये आप भी जानते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि ग्लोबल विलेज बन चुका है। और सबसे जो मेन इशू आ रहा है वो आ रहा है लाल सागर का, जो कि हाउती विद्रोहियों का, उनका अगर दमन नहीं किया गया तो वो क्या करेंगे, सप्लाई चेन को पक्का बाधित करेंगे, पूरा मिडिल ईस्ट जो है ना वो बाधित हो जाएगा, ईस्ट और ये साउथ एशिया भी आपका बाधित होगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो सबसे बड़ी शिपिंग एजेंसी है उसने बता दिया है कि भाई मैं दूसरे रूट को फॉलो करता हूं तो मेरा 60% कास्ट इंक्रीज हो जाएगा और मेरी सुरक्षा के मद्देनजर कोई उसकी गारंटी नहीं ले रहा है इजराइल और हमास के जो है आपस के युद्ध की वजह से, जिसके कारण जो है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से 60% ढुलाई का खर्चा, जो कि शिपिंग का खर्चा हम बोल सकते हैं, उसके खर्चे में क्या हो रहा है, बाधा आ रही है, तो उसकी वजह से सप्लाई चेन बाधित होने की संभावना है, ये मैंने आपको आज के 10 बजे बता दिया था। चलिए अब आपका ज्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आ जाते हैं काम पर। उसके बाद में आज जो फाल हुआ है, इंफोसिस, HCL एक्सेट्रा फाल ही हुए हैं, अलास्का वाली न्यूज आपको बता दिया। अब सारे फाइनेंशियल पंडित ये परेशान है यार, कोई सिनेरियो ना होते हुए कैसे निफ्टी बैंक कैसे फाल हो गया, खास करके शॉर्ट सेलर जो है वो परेशान है। अच्छा है, परेशान होने दो, क्योंकि आप क्या है, आप तो इन्वेस्टर है और इन्वेस्टमेंट की इसीलिए मैं सलाह देता हूँ। देखो यार, शेयर का दो चार शेयर मैं आपको बता सकता हूँ जो कि आप ले लो, बट मैं नहीं चाहता, क्योंकि नहीं लेना है इसलिए कि हम सही तरीके से छांट नहीं पाएंगे, उसकी कास्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और आप ये मान करके चलिए, मैं आपको क्या बताऊँ दोस्त, कि आपका आप जा करके ये कर देना, रिसर्च कर लेना कि आपके कई सारे स्मॉल कैप के फंड्स जैसे हो गए, निपोन इंडिया के हो गए, SBI का हो गया, और भी कई सारे ऐसे फंड हैं जो कि 7 से लेकर के 10 गुना तक 10 सालों में उन्होंने रिटर्न कर दिए। आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि इतना सारा रिटर्न आपको मिला है, बट मेरा कहने का मतलब ये नहीं आपको लालच दिखा करके, सब्जबाग दिखा करके नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देता हूँ। सब्जबाग दिखाने से आप क्या होगा, आप लालच में आ जाएंगे, आप ड्रीम में आ जाएंगे, आप शेख चिल्ली के सपने देखने लगेंगे, आपको हकीकत बताना ही हमारा फर्ज है। हाँ, इन्वेस्टमेंट से डरना भी फर्ज नहीं है, लेकिन उसके लिए जो आपको नियम बताए जाते हैं आपको इमरजेंसी फंड वगैरह बनाने का, वो आपको करना है। जुगानी टॉक्स आपको बार बार वो बताता रहता है, टाइम टू टाइम बताता रहता है, अवेयर करता रहता है, क्योंकि
व्यूअर्स कई सारे नए होते हैं जिनको समझ नहीं होती और वो फिर इस टाइप का डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं यार मैं तो इतने दिन में इतना हो जाएगा। नहीं भाई, आप हकीकत में चलिए, जब होगा तब होगा, आप अपना प्लान करिए, गोल करिए। चलिए अभी उसके बाद में सीवियर सेलिंग प्रेशर तो आज रहा ही रहा है, फिर भी आप देख लीजिए निफ्टी 50 का 197 पॉइंट गिरा है, सेंसेक्स का 670 पॉइंट गिरा है, निफ्टी बैंक का 708 पॉइंट गिरा है, निफ्टी आईटी का 337 पॉइंट गिरा है, स्मॉल कैप 159 गिरा है। सबसे कम गिरावट किसमें रही? स्मॉल कैप में रही है। बट फिर भी मैं आपको क्यों आगाह कर रहा हूँ कि भैया हो स्मॉल कैप के गिरावट से या स्मॉल कैप के रिटर्न से अभी आपको इंप्रेस नहीं होना है। इंप्रेस इसलिए नहीं होना है कि ये एक साइकिल में चलता है और वो साइकिल अगर पीक पर जा रहा है तो वो पीक से जो है सीधे डाउन होगा, नहीं तो फ्लैट चलेगा, कंसोलिडेशन मोड होगा। जब वो कंसोलिडेशन मोड होता है तभी राइट टाइम एंट्री का होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं, ठीक है ना। अभी जिटरी एक वर्ड होता है, जिटरी मतलब क्या होता है कि जो कि हम ये बोल सकते हैं कि जैसे आपका जो है ना ये जिटरी मतलब इतना वोलेटाइल कि ये कि किसी को समझ में ना आए, जो इंट्राडे ट्रेडर्स है ना उनकी समझ में ना आए उसको बोलते हैं जिटरी कि क्या एक्शन ले लिया। तो मतलब जैसे आप ये मान करके चलिए कि मैं आपको साइंस की भाषा में समझाता हूँ, थोड़ा सा मेरा साइंस का सब्जेक्ट रहा है, मैं वो बात समझाता हूँ। जैसे आपके आंख से 60 पिक्चर अगर गुजर रही है ना तो आप उसको देख सकते हैं, बट वो मेमोरी में नहीं रखेंगे, बट उसको आप पहचान सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा होते ही क्या होगा, आप वो पहचान ही नहीं पाएंगे, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि साला चल क्या रहा है। तो ये मेरे कहने का मतलब है दोस्त कि जिटरी मीन्स क्या होता है कि जो आपके इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनकी समझ में नहीं आया, आज की मार्केट वो रही है। फिर भी हमें कोई चिंता वाली बात नहीं, अगर ये कल इसी प्रकार से फॉल होता है ये सिनेरियोज अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया हुआ 65 कंपनियों के रिजल्ट आने हैं तो जो इशू बाकी जो डोमेस्टिक इशूज हैं वो तो है ही हैं। आपके डोमेस्टिक इशूज में आपके मेनली दो इशू हो रहे हैं, एक तो बजट का सेशन आ रहा है, दूसरा आपका जो है क्या आ रहा है, इलेक्शन का माहौल आ रहा है। अब इलेक्शन के माहौल में चाहे अपोजिशन मानो, चाहे साजिश मानो या सच्चाई क्या है वो जो है भगवान जाने, लेकिन वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक जो लोग जा रहे हैं कि हाँ ईवीएम वगैरह लेकर के, वो भी आपने को मद्देनजर रखना है। उसकी वजह से भी जनता का अगर सेंटीमेंट बिगड़ता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का सेंटीमेंट बिगड़ता है। देखिए आज ये दोनों बायर रहे हैं, F2 कितना 16.3 करोड़ का, D2 कितने रहे 155 करोड़ के, फिर भी क्या हुई है, इतनी ह्यूज सेलिंग हो गई है, इतनी सारी फॉल हुई है। तो फॉल मीन्स क्या हुआ, मार्केट जो है सेंटीमेंट के ऊपर चलती है, सेंटीमेंट के ऊपर चलती है तो जो हायर रेट में है वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ये तो यार फेनोमेना है, आपको लोग बोलेंगे नहीं बोलने दो प्रॉफिट बुकिंग कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता, नहीं। ये जो समझदार आदमी जो ज्यादा दिन से, जैसे आपको भी ज्यादा दिन हो जाएगा ना तो आप समझ जाएंगे मेरा अच्छा कहां पर है, मेरा बुरा कहां पर है। अच्छा और बुरा मार्केट में किस लिए आए, आप आए प्रॉफिट के लिए आए हैं, तो प्रॉफिट के लिए आए, जब आपको दिखेगा यस मैं प्रॉफिट में हूं तो आप उसको लेकर कम से कम एटलीस्ट अपना टैक्स सेशन से तो आप बचेंगे, आप अपने कार्पस को लेकर के जो आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसमें तो आप शो करेंगे ना, वो सारी चीजें आपको जो टैक्स बार बार बता रहा है। तो इसमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि अपना आइडिया नहीं लगाना, हाँ मार्केट के सहारे आपको छोड़ना है, लेकिन जो उसमें स्टेप्स लेने हैं ना वो स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। बात मेरी समझ रहे हैं? फंड मैनेजर, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, आज भी मैं उस चीज को बता दे रहा हूं, फंड मैनेजर आपके शेयर्स को जो भी आपके फंड में है, कंपनीज की होल्डिंग को, कंपनीज के शेयर को खरीदने और बेचने की पावर रखता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उसका एम यही होगा कि मैं अपनी एनएबी को गिरने से बचाऊं और उस एनएबी को मैं आपकी तरफ ले जाऊं, वो ये स्टेप लेगा। तो जब एनएबी में फॉल हो रहा है तो उस समय आपका एक्युमुलेशन ज्यादा हो रहा है ना, सिंपल सी बात है यार, रॉकेट साइंस कोई नहीं है। अब आपने SIP रूट को फॉलो कर लिया है, जब आपके कुछ इतने फंड्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया था आपके जैसे 12 इंस्टॉलमेंट कट रहे हैं, तो 12 में से जब तक आपके 11 महीने नहीं हो जाते हैं तब तक आपका 11वें लास्ट का, जब तक आपका उसका एक साल नहीं हो जाता है तब तक आपका क्या होता है, वो लास्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, उसका एक साल नहीं पूरा होता है। ये भूल नहीं करिएगा कि मेरा एक साल हो गया तो आपका खाली एक महीने वाले इन्वेस्टमेंट का एक साल हुआ है। तो साल में कोशिश करना एक बार रिडीम करना, आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि कई जगह पर अगर आप लोग
और जगहों पर देखोगे तो वो वही तरीका करते हैं, मिसलीड कर देते हैं बंदे को। मिसलीड क्यों करते हैं? अब ये मैं नहीं कह सकता कि उन्हें जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव नहीं है। आदमी दो टाइप के होते हैं, एक थोड़ा सा स्मार्ट चाल से चलते हैं, एक थोड़ा सा क्या होते हैं कि वो ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। तो स्मार्ट और ओवर स्मार्ट में बहुत बड़ा फर्क होता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट आपने ओवर स्मार्ट मार्केट में नहीं बनना है, हाँ स्मार्ट जरूर बनना है, स्मार्ट बनने में कोई बुराई नहीं है। वो उद्देश्य जुगाड़ी ताक का आपको स्मार्ट बनाना। अभी अगर कल की डेट में इस प्रकार से फॉल होता है तो आज ये देखिए कि तकरीबन सारे के सारे 1% के आसपास की गिरावट हो रही है निफ्टी बैंक में। अब देखिए बैंकिंग सेक्टर में लोगों का लगा हुआ है, आईटी ऑलरेडी हाई है, स्मॉल कैप आपका यहाँ पर है जो छोटा मोटा स्मॉल कैप में होता है। तो जितने आपके फ्लेक्सी और ये लार्ज कैप वाले हैं ना, अगर आपको थोड़ी सी पोजीशन बनाती है तो आपको पता है कि लार्ज कैप इस समय कम से कम बैलूड में है, ओवर बैलूड में आपका मिड कैप और स्मॉल कैप है, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आप उसमें अगर थोड़ी बहुत पोजीशन बनानी है 2000-4000 की, तो आप आराम से बना सकते हो। आप उसमें 1.5% 2% के अभी क्या है फाल में ले रहे हो, तो थोड़ा सा आप देखना कम से कम कुछ ना कुछ तो आपकी एनएबी डाउन हो जाएगी, परसों से आपकी एनएबी डाउन दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर कल नहीं गिरता है अब की तरफ जाती है तो जाने दो, एसआईपी का सहारा ले लो, चल भैया चल चलते रहो, ठीक है ना। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है मतलब हमें सौदा पसंद नहीं आया भाई, जब सौदा पसंद आएगा तब देखेंगे, बाकी फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दो, वो फंड मैनेजर अपना खरीदता बेचता रहे। जब तक आपकी एनएबी में आपका फॉल नहीं दिखता है, एनएबी आप समझ लो, आपको एनएबी लेकर के चलना, जब तक आपकी एनएबी में आपका फॉल नहीं दिखता है तब तक आपने नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये सिनेरियोज आपके चलते रहेंगे, इससे क्या होगा आप सवेरे अपनी एनएबी कम से कम जब दो दिन की गिरावट, डेली एनएबी नहीं देखना है, जब दो दिन की तीन दिन की गिरावट हो जाए और थोड़ी सी हैवी सेलिंग दिख जाए तो एनएबी में इस प्रकार से परसेंटेज आपका, आपको पता है अगर आपका आईटी और बैंकिंग में उसका ज्यादा होल्डिंग है, या आपका देखिए ऑटो में ज्यादा होल्डिंग है, जो है ये अपना पीएसयूज में ज्यादा होल्डिंग है, जो भी फंड आप सेलेक्ट करें, फंड कोई बुरा नहीं होता है, आपने चूज कर लिया अपने गोल के मुताबिक वो बिल्कुल सही है, उसकी साइकिल आएगी वो चलेगा, आप कोई एक दो दिन के लिए एक दो साल के लिए इन्वेस्टेड नहीं है, बात मेरी समझ रहे हैं आप। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको अगली स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी, ठीक है। सीवियर अपना जो है सेलिंग है, मैं तो चाह रहा हूं थोड़ी सी और जो है सेलिंग हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया था आज के 8 दिन पहले, मैं अपने इन्वेस्टर्स को बता दिया था कि भाई अब ये आ गई है टॉप पर आ गई है, अब यहाँ से क्या होगा कंसोलिडेशन होगा, अभी उसके बाद में थोड़ा सा जिगजैग मूवमेंट ही चलेगा, तो जिसको प्रॉफिट बुक करना अपना कर लो, उन्होंने कर लिया होगा। अब तो मैं चाह रहा हूँ उन इन्वेस्टर्स के लिए कि थोड़ा सा उनकी एनएबी में फॉल हो और वो थोड़ा बहुत अपनी पोजिशन बनाए, क्योंकि अभी बजट का सेशन है, इलेक्शन का सेशन है, तो अभी नहीं पोजिशन बनाओगे कब बनाओगे, कब बनाओगे। तो मार्केट अगर मान लिया इसी पर ही जितना टाइम अगर यहाँ पर लगा रही है ना, उतना ही आपका सपोर्ट लेवल स्ट्रांग होता जा रहा है, और जितना ही हिट करने में उसको जो है प्रॉब्लम हो रही ना आगे बढ़ने में, वो आपका रेजिस्टेंस लेवल भी उतना स्ट्रांग होता जा रहा है। दो चीजें आपको मैंने बताई हुई है, एक आपका सपोर्ट लेवल, एक आपका रेजिस्टेंस लेवल। ये मान करके चलिए इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने में जितनी मेहनत अगर लग रही ना उसको मार्केट को, वो समझिए उतना ही स्ट्रांग होता जा रहा है। लेकिन बार 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 इसको अगर टच करें, समझो ऊपर की तरफ, अगर बार 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 डाउन की तरफ टच कर रही है तो समझो नीचे की तरफ हो गई है। तो सपोर्ट लेवल अगर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अगर ये ज्यादा दिन लगा देगी तो समझो ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो गया, ये स्ट्रांग सपोर्ट हो गया, जिधर की तरफ मूवमेंट होगा उधर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर आपको पोजिशन बनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये जब भी यहाँ से अप जाएगी तो उसके बाद में उस रेजिस्टेंस के यहाँ पर रहेगी, तो आपने यहाँ पर अच्छा खासा बना लिया, अपनी पोजिशन बना लिया, यही तो करना है यार, सिंपल सा वे है, कुछ नहीं इसमें है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। मैं तो भाई देखो आपको बताता ही रहूंगा, क्योंकि मुझे बताने में इंटरेस्ट आता है, बताने में इंटरेस्ट इसलिए रहता है कि मैं आपको निस्वार्थ भाव से बताता हूँ, मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लें और ज़्यादा से ज़्यादा देश की ग्रोइंग में आप हिस्सा लें, क्योंकि ये जन कल्याण का काम है, मैं इसको जन कल्याण का काम समझ कर कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने सीखा है जो मैंने कमाया है। वो बोलते हैं ना यार, देखो धन के तीन ही नियम हैं, क्या? दानम भोगम नाशम, या तो धन का दान कर दो या तो धन का खुद भोग कर लो, नहीं तो वो आपको क्या कर देगा, नाश कर देगा। तो अभी मैं उस कंडीशन में हूँ कि नहीं यार, देखो भाई अभी भोग करना था, जो भोग करना था वो हमने अपना कमा लिया, अपना जो करना था हमने कर लिया है, अभी जो दान करना है अपने पेरेंट्स को लेकर के,
अपने क्या नाम है वाइफ को लेकर के जो हमने दान पुण्य करना वो हम कर लेंगे, नहीं तो हमारा धन हमें ही नाश करना शुरू कर देगा। अब ही क्या है, हमारा काम है आप लोगों को अवेयर करना, आप लोगों को जागरूक करना, नहीं तो ये धन क्या करेगा, नाशम शुरू कर देगा। और नाशम वाली भावना मेरे को नहीं करनी। आप लोगों का पूर्ण प्रताप अगर लग जाएगा हमें तो भैया हो, आराम से हमारा क्या है, कोई हमारा लाश तो कोई इसमें जा नहीं रहा, कोई हमारा नुकसान तो हो नहीं रहा कि यार मेरा कोई नुकसान हो रहा है आपको कुछ भी बताने से। अगर आपका भला होता है तो हमें क्या लग रहा है यार हमारा क्या जा रहा है, मेरी बात समझ रहे हो। अब मैं इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि मेरा आराम से अपना काम चल रहा है, मैं तसल्ली से बिल्कुल निश्चिंत हूँ अपने जो रिटायरमेंट प्लान के लिए निश्चिंत हूँ, मेरे हर गोल्स अपना फुलफिल हो गए, तो मैं क्यों ना आपको बताऊँ यार, ताकि आप भी अपना वो करें फुलफिल करें। एज क्राइटेरिया के मुताबिक मेरा सब कुछ हुआ, तो मैं आपको भी चाहता हूँ कि हाँ मैं आपको ये चीज़ें बिल्कुल इनोसेंट भाव से बताऊँ। चलिए अब ये टाइम आ गया है कि आपको सेबी और MFI ने क्या दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सेबी का मैंने आपको बता दिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारा क्या होता है RBI के जैसे गवर्निंग बॉडी होती है, जो आपके म्यूचुअल फंड में शेयर में जो भी पैसे लग रहे हैं उनको कंट्रोल करती है और वो देखती है कि इसमें कहीं पर धांधली ना हो, घोटाला ना हो, इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे, ये उनका काम होता है। अब वो डायरेक्ट कोई एक्शन लेने से पहले म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, वो AFMI को क्या करते हैं कि डायरेक्शन देते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, ठीक है ना, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया जो होती है इसको ये आदेश देते हैं। अभी इन्होंने आदेश दिया था कि यार देखो, उनके पास रिपोर्टें गई थी कि कई सारे लोग जो है ना उनको परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है, जैसे सपोज करो भाई देखो जो आया है दुनिया में, बिल्कुल यार कटु बात बता रहा हूं, और इस बात से सबको एकदम से चेत लेना चाहिए। थोड़ा सा भाई लंबा हो जाएगा, प्लीज माइंड नहीं करना वीडियो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बात सबको मान लेनी चाहिए यार कि हम आए हैं तो हमें ऊपर जाना है, प्लीज बुरा नहीं मानना ये बात सबको, वसीयत लिखते समय, इन्वेस्टमेंट करते समय या कोई भी काम करते समय बात मान करके चलना चाहिए कि हमारे साथ कोई ना कोई होनी हो सकती है। तो अब होनी होने के बाद में जिन हम ये जो है किसके लिए कर रहे हैं, खाली अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं ना यार, अपने अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। मैं भी अगर जो है इतना जो है अगर काम किया हूँ किसके लिए किया हूँ, अपने परिवार के लिए किया हूँ। आप भी जो कर रहे हो, इतनी दौड़ भाग कर रहे हो, रात दिन मेहनत कर रहे हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, ताकि आप ग्रोथ करो, आप अच्छा करो, आशा के ऊपर सारी दुनिया टूकी है, लेकिन वो एक पहलू ऐसा है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि कभी कभी आदमी को अंदेशा भी नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है, तो वो मालूम नहीं चल पाता कि उसके कितने MF में उसने अपने डाले हुए हैं। अब वो कई बार क्या हुआ कि कई लाखों करोड़ रुपया जो है ना इनके पास MCs के पास ऐसे पड़े हैं जो कि क्लेम ही नहीं हुए हैं। क्यों, उनके परिवार को पता ही नहीं था, उस समय टेक्नोलॉजी का जमाना था नहीं, चेक से लोग दे देते थे, उसके बाद में ले लेते थे, एजेंट के पास है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उसका क्लेम हो नहीं पाया, वो ऐसे पड़ा हुआ है। पहला ऐसे ही आप मानेंगे नहीं PPF के कितने पैसे पड़े हुए हैं, उसको भी अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है। तो इसके बाद में AMFI को सेबी ने आदेश दिया कि भाई इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालो। तो दोस्त सोल्यूशन निकालना नहीं है, ये 1 जनवरी से लागू हो गया है। क्या लागू हुआ है पहले इसको बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं मैंने क्या किया हुआ। तो ठीक है, अब यार इतनी देर से बोल रहा हूं तो थोड़ा सा, तो उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई आप एक काम करें, इसकी ये गाइडलाइन है, 1 जनवरी से ये गाइडलाइन लागू हो गई है कि अगर ऐसी कोई इंसिडेंस हो जाता है तो अगर जो भी उसका लीगल हेयर है, मतलब जो जो उसका क्या बोलते हैं अपना प्राप्त करने वाले हैं, चाहे वो बीबी हो, बच्चे हों, जो भी हैं, वो अगर गए, नामनी तो अलग चीज हो गई, नामनी तो हर जगह पर होता है, लेकिन क्या होता है जब डेथ के केस में क्या होता है, कई सारे उसके अपना दावेदार हो जाते हैं ना, और वो कई सारी MCs में अगर आपका हो गया, किसी का देखना बहुत सारे फंड्स वो लोग ले लेते हैं, अनाप शनाप फंड ले लेते हैं, तो भगवान ना करे ऐसा कुछ हो गया, तो अगर आप किसी एक AMC में आपका कोई बिलब्ड वन चला जाता है, डेथ सर्टिफिकेट को लगाता है और ये बोलता है भाई ये हो गया है, ये हम मैं उनका लीगल हकदार हूं कानूनी रूप से, और इनकी डेथ हो चुकी, ये डेथ सर्टिफिकेट आप उसी समय विद इन नो टाइम, अगर वो 5 बजे से पहले दे रहे हैं तो आज की डेट में नहीं तो कल की डेट में, उसमें सारे ट्रांजैक्शन आपके स्टॉप हो जाएंगे, कोई उससे निकाल नहीं सकता है, कोई भी ट्रांजैक्शन उसमें जाएगा नहीं, कोई भी डिफॉल्ट नहीं होगा, वो वहीं पर स्टॉप हो गया।
अब उस एएमसी का काम शुरू हो जाएगा, वो अगले दिन से क्या करेगी, वो सारे को जितने आपके कंसोलिडेट हैं वो सारा डाटा कलेक्ट कर लेगी कैम्स के थ्रू। कैम्स के थ्रू कलेक्ट करने के बाद में आपकी जो भी प्रोसेस है वो बिल्कुल फेयर तरीके से एकदम से लागू हो जाएगी। हाँ, इतना परसेंट इनका बना है, ये बना है। अगर अगला आपका विलंब लोन चाहता है नहीं मेरे को एनएबी ट्रांसफर करी जाए तो उसको एनएबी ट्रांसफर कर जाएगी। अगर चाहते हैं कि नहीं सारा रिडीम करके और उसके बाद में हमें पैसा दे दिया जाए, वो बिल्कुल इजी ऑन द क्लिक पर सारा का सारा अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है साहब? तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज थी सारे इन्वेस्टर्स के लिए। देखो भाई, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, एक जानकारी थी वो मैंने शेयर किया है। अब आप लोग सोचोगे यार क्या बेवकूफ आदमी है, इस टाइप की बात कर रहा है, एक तरफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, एक तरफ 10 साल की 20 साल की जो बात कर रहा है। यार देखो, 10 साल 20 साल का जो होगा वो तो अपना देखा जाएगा, बट फिर भी मैं आपको अपनी बात बताऊं। ये देखिए मेरी ये पर्सनल डायरी है, कुछ बुक्स हैं, इनसे मैं पढ़ता हूं, और अगर आप लोगों को दिखाई दे तो, नहीं तो अभी क्या है कि क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल दिखा देता। और ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये देखिए मैंने अपने एक एक इन्वेस्टमेंट के फंड्स के, मेरे पास उतने ही हैं जितनी मेरी जरूरत के मुताबिक है, एक एक का मैंने क्या किया हुआ है, सारे का पासवर्ड, एएमसी, फोलियो नंबर, फलाना ढमकाना, और ये मैंने प्रॉपर तरीके से मेंशन करके अपनी कॉन्फिडेंशियल डायरी को मैंने बना करके रखी हुई है। ये चेतना बहुत जरूरी है, ताकि क्या होता, हम जिनके लिए मर रहे हैं ना, वो यार परेशान ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये तो चलो इन्होंने AMFI ने जो किया वो तो किया, सेबी ने जो किया वो किया, हमारा भी कुछ दायित्व तो बनता है। और ये कॉन्फिडेंशियल जानकारी, ये गोपनीय जानकारी, दुखद भी इसको मान लो चाहे आप इसको सुखद मान लो, जो सोचना होगा वो सोचना आपका काम है, बट ये हमारा धर्म होता है कि हमने कहाँ कहाँ पे क्या कर रखा है। देखो यार, हमारे दिमाग में जो है ना वो हमारे साथ ही उसका क्या होगा यार, वो खत्म हो जाएगा। अगले को नहीं पता है, अगर आपने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया हुआ तो अगले को नहीं पता है, आपने अपने बच्चों को नहीं बताया, उनको नहीं पता तो आप इस चीज को पक्का मेंटेन करेंगे। उम्मीद करता हूं यार दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।